हेलो एवरीवन। सो कंपनी है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट लिमिटेड। मंथली चार्ट लगा हुआ है। अगर हम मंथली चार्ट में क्लियरली देखें तो यहाँ पे एक कप बना है और जिसका ब्रेकआउट इसने दो तीन बार ट्राई किया ब्रेक करने के लिए, पर हो नहीं पाया। अगर पहले मैं बात करूँ तो पहले यहाँ पे ट्राई किया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लियरली शेडो ने ब्रेकआउट लाइन टच की है, ऊपर भी गई है लेकिन क्लोज नीचे हुआ है, यानी कि ब्रेकआउट नहीं था। ठीक है, अगर दूसरी बार हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये देखो ब्रेकआउट भी हुआ है, ऊपर एक कैंडल भी ओपन हुई है, बैरिश कैंडल ऊपर ही क्लोज हुई है, बट उसके बाद फिर से नीचे रिट्रेस किया है। दो तीन कैंडल ऊपर सेम लाइन पे बनी है, नीचे भी आई है, देन अगर देखें फिर से वो ऊपर गया है, फिर से उसका जो प्राइस रहा है वो फिर से ऊपर गया है यहाँ पे, देन फिर से उस पर रिट्रेस किया है, वहीं पर साइडवेज गया उस पर्टिकुलर सी लाइन पर, सी पॉइंट पर, देन फिर से नीचे जाके फिर इसने ब्रेकआउट दिया है। अब इसमें है क्या चीज़ देखने वाली, ये देखते हैं। पहले तो इसमें देखो वॉल्यूम्स, इसमें जो वॉल्यूम्स दिख रहे हैं वो एक प्रॉपर जगह पे, यानी कि यहाँ पे कंपनी चल रही है वहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम है। अगर मैं बात करूँ इसी वाले पोर्शन की तो यहाँ पे ये वॉल्यूम्स एंड यहाँ पे ये रन, दोनों चीज़ें हम मिला के देखते हैं तो जितनी बड़ी कैंडल उतना बड़ा वॉल्यूम, राइजिंग वॉल्यूम प्रॉपर ये है। सो यानी कि कंपनी तो वैसे अच्छी है। अगर हम बात करें डेली पे किस टाइप चीज़ें बना रहा है, कहाँ कहाँ पे एंट्री कर मिल सकती है, तो पहले देखते हैं पहले वाला ब्रेकआउट। पहले वाले ब्रेकआउट में क्या हुआ था, यहाँ से अभी डेली पे लगा हुआ है, कुछ इस टाइप का रहा था। ब्रेकआउट होने के बाद में ये चला ऊपर, यानी कि अराउंड 1 वीक में इसने काफ़ी प्राइस कवर कर लिया, प्राइस कवर किया इसने 100-150 रुपए के आसपास। उसके बाद इसमें ये आ गया एक शेकआउट पॉइंट जोन, यहाँ वॉल्यूम भी ख़त्म थे एंड जो प्राइस थी वो भी एक पर्टिकुलर एक ही एंगल पे एक ही जगह पे मूव कर रही थी बार बार। उसके बाद क्या हुआ, आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा रन लिया है एंड आज मार्केट ने, ये आप कैंडल देख रहे हैं जो आज की कैंडल है, आज मार्केट ने इतना बड़ा प्राइस कवर कर दिया, बड़ी मारवूसो कैंडल बना के, बुलिश कैंडल बना के जो प्राइस कवर किया वो तकरीबन प्राइस कवर किया वो है 125-130 रुपये के आसपास का। अब इसमें है क्या है कि अगर हम प्रॉपर देखें तो पहले क्या हुआ था, पहले भी इतना ही प्राइस कवर किया था इसने, ये पहले ब्रेकआउट इसमें हुआ था, अब भी उसने इतना प्राइस कवर एक दिन में कर दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पर फिर से जैसे यहाँ पे ये शेकआउट हुआ था, यहाँ पे मार्केट साइडवेज गई थी कुछ दिनों के लिए, ऐसा यहाँ पर हो जाए शायद। सो देखते क्या है कि इसकी कैंडल सस्टेन कैसे कर रही है ऊपर, कल की कैंडल और बची कुछ ही वॉल्यूम्स कैसे बन रहे हैं। सो अगर यहाँ से हम ब्रेकआउट देखें दूसरे वाले का भी, तो यहाँ से कहीं से हुआ था कुछ इस जगह से, तो हमको अभी है क्या कि यहाँ पे हम कैंडल्स देखनी है कि इसके बाद वाली कैंडल बन कैसे रही है, कम से 2 या 3 दिन की कैंडल्स। अगर नीचे जाती है तो फॉर श्योर जो पैटर्न ये हम देख रहे हैं नीचे, ये ऐसा दोबारा से रिपीट हो उसके बाद नीचे ब्रेकआउट मिले। सो बस अब बस देखते यही है कि होता क्या है, प्राइस ऊपर निकलती है या फिर इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। पर जैसा मुझे लग रहा है कि प्राइस बहुत ऊपर कर चुका है, अब आगे शायद ना जाए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का शेकआउट या पोजीशन बन जाए इसमें। तो बस आज के लिए इतना ही, डन फॉर टुडे, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़।